हे गाइस, दिस इज लवकुश। सो एज वी ऑल नो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर बीकॉम सिक्स सेमेस्टर में अपने को प्रोजेक्ट बनाना है। सो हाउ टू मेक प्रोजेक्ट, वो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट जो बनाना है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाना है, या तो आप पावर पॉइंट या वर्ड का किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं जो अभी प्रोजेक्ट बनाया हूँ वो आप देख सकते हैं, वो मैंने पावर पॉइंट में बनाया है। तो आप पावर पॉइंट में बनाइए, चाहे वर्ड में बनाइए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विथ सैंपल के साथ कि प्रोजेक्ट दिखता कैसे है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट का पहला पेज बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सबमिटेड फॉर द पार्टिशियल फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ये सेम टू सेम आपको लिखना होगा। उसके बाद टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में आप जो भी टॉपिक को चूज किए हैं वो आपको लिखना होगा। जैसे कि मेरा अभी प्रोजेक्ट का टाइटल है रेशियो एनालिसिस, किसका, श्री सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट को लेकर। तो मैं अभी इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहें तो सेम टू सेम इस प्रोजेक्ट को अपने कॉलेज में छाप सकते हैं, थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन इसमें कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो भी बताएंगे, पहले आप वीडियो देख ले कि प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है। तो पहला पेज को आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, उसके बाद प्रोजेक्ट का टाइटल देंगे, और उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन, आप अपना नाम देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, सीयू का रोल नंबर देंगे, आप अपने कॉलेज का रोल नंबर देंगे, ठीक है, आपका कॉलेज का नाम क्या है। उसके बाद सुपरवाइज्ड बाई आपका कॉलेज का नाम और आपके प्रोफेसर का नाम, जो भी आपको ये प्रोजेक्ट दिया है वो करने के बाद, मंथ एंड ईयर में करने के बाद, आपका 2022 ही होगा अब अप्रैल में, जब भी आपको सबमिट करना होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका पहला पेज हो गया है। चलिए अब आपको पावर पॉइंट में बढ़िया से दिखाते हैं। देखिए, ये कुछ पहला पेज इस प्रकार से बनेगा। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा पेशेंट रखिए। तो देखिए, तो कुछ इस प्रकार से आपका पहला पेज बन गया। अब सेकेंड पेज में क्या होगा तो ये देख लीजिए। सेकेंड पेज में आप लिखेंगे सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। आपको सुपरवाइजर सर्टिफिकेट में कुछ इस प्रकार से रहेगा, बनेगा। आप यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोफेसर में आप अपना प्रोफेसर का नाम लिखेंगे, और ये जो मैंने लिखा है आप सेम टू सेम इसको छाप देंगे। आपका जो सुपरवाइजर होगा वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, आपको नहीं करना है, जो आपका प्रोफेसर होगा वो करेगा। तो ये हुआ आपका सेकेंड पेज सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। थर्ड पेज में आप अपना डिक्लेरेशन देंगे। आई हेयर बाई डिक्लेयर डेट द प्रोजेक्ट वर्क विद द टाइटल रेशियो एनालिसिस स्टडी ऑफ श्री सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट। आपको कुछ इस प्रकार से डिक्लेरेशन देना है। आप यहाँ पे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीयू का रोल नंबर देंगे, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर आप इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फिर वहाँ पे प्लेस और डेट आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपके पास एक्नोलेजमेंट तो देना होगा, अरे हर एक प्रोजेक्ट का। तो वही, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड टू प्रोफेसर। आपको यहाँ पर अपना प्रोफेसर का नाम देना होगा, और बाकी ये सेम टू सेम आपको छाप देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप जो भी टॉपिक को चूज किए हैं उसका प्रीफेस क्या होगा वो आप इंटरनेट से देख के लिख लेंगे। अगर रेशियो एनालिसिस है तो रेशियो एनालिसिस के बारे में आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। जो ये टेबल आप बाद में बनाइएगा, जब पूरा प्रोजेक्ट आप बना लीजिएगा, उसके बाद पेज नंबर 6 में आकर आप एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में आप सबसे पहला चैप्टर में बैकग्राउंड लिखेंगे, चैप्टर नंबर 2 में कंसेप्चुअल ओवरव्यू लिखेंगे, और चैप्टर 3 में एनालिसिस एंड फाइंडिंग है, और चैप्टर नंबर 4 में कंक्लूजन आपको देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना टेबल बनाएंगे। उसके बाद अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर था, उसके बाद आपको क्या देना है, बैकग्राउंड देना है। तो अब बैकग्राउंड में आपको रेशियो एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देना है। ये आप जो डेफिनेशन है वो सेम टू सेम आप इंटरनेट से खोज कर लिख सकते हैं। उसके बाद नीड ऑफ द प्रोजेक्ट में आप कुछ इस प्रकार देंगे। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, यानी कि रेशियो एनालिसिस के ऊपर आज तक कौन सा ऑथर क्या बोला है, आप चाहें तो इंटरनेट से इसको देखकर खुद से लिख सकते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पे एक ऑथर है,
पांडे एंड परेला, तो आप चाहे तो इनका वर्ड लिखिए या चाहे तो आप किसी और का वर्ड लिखिए, बट आपको लिटरेचर रिव्यू में दो चार ऑथर का नाम यहाँ पे देना होगा जिन्होंने रेशियो एनालिसिस के बारे में कुछ बोला है। उसके बाद अगला जो इसमें आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, आपका ये जो ये प्रोजेक्ट है ये किसके लिए है, और उसके बाद मेथोडोलॉजी आपको देना होगा कि आपने जो ये डेटा यूज किया है वो कहाँ से किया है और ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है, ये आपको यहाँ पे देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 2 में आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आएंगे, ठीक है। अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस, आपका जो भी प्रोजेक्ट का टॉपिक है वो आपको देना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ जो भी आपका टॉपिक का नाम है आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर से आप रेशियो एनालिसिस क्या है कैसे है आपको यहाँ पे समझाना होगा। उसके बाद रेशियो का मैं भी जो भी बोलूँगा यो रेशियो के ऊपर ही बोलूँगा, तो अगर आपको रेशियो के ऊपर बनाना है तो आप देखिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो आप करेंगे, ट्रेडिशनल के बेस पे क्या होगा और फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होगा, ये सब आपको देना है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो क्या है आपको ये भी देना होगा। उसके बाद एडवांटेज क्या है रेशियो का और डिसएडवांटेज क्या है, ये सब देना होगा, ठीक है। अब आपको जो भी करना है, आपका जो मेन प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 से, एनालिसिस एंड फाइंडिंग। आप जो भी एनालिसिस किए हैं, जो भी रिसर्च किए हैं, वो आपको चैप्टर नंबर 3 में डालना है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, आप जो रिसर्च किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने जो भी सैंपल कलेक्ट किया है आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप डाटा यूज किए वो किस प्रकार से सेकेंडरी है या प्राइमरी है वो लिखेंगे, और डाटा का सोर्स क्या है आप ये भी लिखेंगे, और आपका पीरियड ऑफ स्टडी आप कितने समय के लिए ये जो श्री सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट के ऊपर कितना ईयर के लेकर स्टडी किए हैं आपको ये सब देना होगा, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस एंड फाइंडिंग में आपको जितने प्रकार से आपका रेशियो आता है, चाहे लिक्विडेसी रेशियो जो भी आता है, करेंट रेशियो, उसके बाद क्विक रेशियो, जितने प्रकार का रेशियो बन सकता है आपको सारा का सारा, सबसे पहले तो एक रेशियो लिखना है, उसका रेशियो क्या होता है वो लिखिए, उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या है वो लिखिए, और उसके बाद ये जो कंपनी है श्री सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट, इसका आपको रेशियो एनालिसिस करना होगा। ये दोनों कंपनी का कैसे कैसे रेशियो एनालिसिस होगा आपको यहाँ पे निकाल के कंपेयर करना होगा, और करने के बाद आपको एक चार्ट, बढ़िया सा चार्ट बनाना होगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने बताया वो पहले था आपका करेंट रेशियो के बारे में, ये था आपका करेंट रेशियो। अगला है आपका क्विक रेशियो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप देंगे। उसके बाद अगला जो रेशियो आता है वो आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब ये दोनों कंपनी के बीच में क्या क्या प्रॉफिट आता है उसके बारे में आपको बताना है, और उसको कंपेयर करके एक डेटा में बनाना है चार्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ये करते करते आप जब पूरा पेपर, मतलब आपका जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप कंक्लूजन पे आएंगे और रिकमेंडेशन देंगे कि कंपनी को क्या और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आप समरी लिखेंगे, समरी ऑब्जर्वेशन कि आपने इस स्टडी के दौरान क्या क्या पाया है, कुछ कमियां हैं, यानी कि अंबुजा सीमेंट में क्या है, श्री सीमेंट में क्या है, आपको इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये बताना होगा। उसके बाद आप कुछ सजेशन देंगे एंड रिकमेंडेशन देंगे इस कंपनी को क्या और कैसे करना चाहिए, और उसके बाद एक लिखेंगे आप लिमिटेशन ऑफ स्टडी। आप चाहें तो इसको आप चैप्टर नंबर 1 में भी ले जा सकते हैं, आपको यहाँ लिखने के बजाय आप इसको चैप्टर नंबर 2 में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ कहाँ से ये जो रिसर्च आपने किया है वो कहाँ से किया है, रिफरेंस के तौर पर आप देंगे कौन सा ऑथर का बुक आप यूज किए हैं, कौन सा बुक यूज किए हैं, कहाँ मतलब, और उसके बाद आप इंटरनेट से कौन सा सोर्स यूज किए, कौन सा वेबसाइट है, उन सब का आपको यहाँ पे रेफरेंस देना होगा। और लास्ट में अनेक्सर में आपको ये जो कंपनी है, कंपनी का जो भी बैलेंस शीट है वो आपको बनाना होगा, 2017, 2018, 2019, 2020 चार साल को आपको बनाना होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो आपका बनकर रेडी हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। आपको इस वीडियो के कमेंट में आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा,
नहीं छोड़िए, मैं खुद ही अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। आप उस ईमेल पे आप अपना मैसेज कर दीजिए कि मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, आई नीड दिस प्रोजेक्ट। मैं आपको इस प्रोजेक्ट का पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट चाहिए, किसी और टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैंपल बनाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।